हेलो लवलीज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोले की सब्जी। छोले की सब्जी तो हर घर में बनती है, बट मेरे इस तरीके से अगर आपने छोले की सब्जी बनाई ना, तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। सबसे पहले हम ओवरनाइट सोक किए हुए काबुली चना को ऐड करेंगे कुकर में। उसके बाद ऐड करेंगे तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, और थोड़ा सा नमक ऐड करके 4 से 5 विसल होने तक कुक कर लेंगे। नेक्स्ट हम रेडी करेंगे छोले मसाला, जिससे हमारी सब्जी बहुत ही यमी बनेगी। जिसके लिए हमें लेना होगा सूखा धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, अनारदाना और शाहजीरा। आप यहाँ पे चाहो तो 3 से 4 सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं ऐड की है। मसालों को स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट या फिर उनमें से खुशबू आने तक सेक लेंगे। उसके बाद ठंडा करके और ग्राइंड कर लेंगे। मसालों को इस तरह से दरदरा सा ही पीसना है। उसके बाद सेम ग्राइंडर जार में हम ऐड करेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और हल्की दरदरी सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसके बाद सेम ग्राइंडिंग जार में ही हम टमाटर की पेस्ट भी रेडी कर लेंगे। ज्यादा बर्तन क्यों खराब करने, जब सेम में ही काम चल जाए। अब हम देख लेते हैं काबुली चना, जो कि बिल्कुल बढ़िया कुक हो गए हैं। इस स्टेज पे अगर आप चाहो तो खड़े मसालों को निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम कुकर में ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें ऐड करेंगे तेजपत्ता और जीरा। जीरा के क्रैकल होते ही ऐड करेंगे प्याज वाली पेस्ट और उसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। प्याज वाली पेस्ट कुक हो जाने के बाद ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे, और मसालों में ऐड करेंगे नमक, हल्दी और प्रिपेयर किया हुआ छोले मसाला, और सभी चीजों को ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे। ग्रेवी में थोड़ा सा घी, ताजा कटा हुआ हरा धनिया और आमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बॉईल किए हुए छोले ऐड करेंगे और उनको भी ग्रेवी के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे। आधा से पौना कप पानी ऐड करके और सब्जी को 1 से 2 विसल होने तक कुक कर लेंगे। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी, पराठे या फिर भटूरे के साथ। रेसिपी और वीडियो बिल्कुल दिल से बनाया है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।